नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धि अष्टो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे, प्रेम में अगर दो व्यक्ति हैं और दोनों व्यक्तियों की राशि कर्क राशि है, तो उनका जो प्रेम है वो किस तरह से आगे बढ़ सकता है। ऐसी कौन सी बातें हैं जो इस दो व्यक्तियों की या फिर दो राशियों को आपस में बांध कर रख सकती है। ऐसे कौन सी बातें हैं जिसके वजह से इनमें से थोड़ी खटास आ सकती है, उसमें थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, इनमें थोड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती है या फिर दरार बन सकती है। तो अगर ऐसी कोई परिस्थितियां निर्माण हो तो क्या करना चाहिए, इसके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। उससे पहले अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसमें मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो 12 राशियां हैं, वो 12 राशियां अगर प्रेम में है हो तो उनका जो प्रेम है वो किस तरह से आगे बढ़ सकता है, या फिर उनके प्रेम के बारे में जो चर्चा हर एक एपिसोड में की गई है, वो जो वीडियो है वो अपलोड भी हो रही है, वो आप देख सकते हो और उसका आनंद ले सकते हो। तो इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि अगर दो राशियां हैं, दो व्यक्ति हैं, दोनों भी राशियां अगर कर्क राशि हैं, तो उनका प्रेम किस तरह से आगे बढ़ सकता है। तो सबसे पहले हमें जानना यह जरूरी है कि कर्क राशि का स्वभाव क्या होता है, कैसे होता है। कर्क राशि के बारे में अगर सोचा जाए तो यह जो कर्क राशि है, कर्क राशि का जो स्वामी है वह चंद्रमा है। चतुर्थ स्थान से यह जो राशि है वो डील करती है, मतलब काल पुरुष के पत्रिका में यह जो राशि है कर्क राशि, वो चतुर्थ स्थान में आती है। इसका जो स्वामी है वो चंद्रमा है, इसका जो तत्व है वो जल तत्व है और यह चर राशि है। तो पहले हम देखेंगे जो कर्क राशि है वो कर्क राशि का स्वभाव कैसे होता है। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि जो कर्क राशि होती है, हालांकि इसका जो स्वामी है वह चंद्रमा है, यह जो राशि है, राशि बहुत ज्यादा इमोशनल होती है। मतलब जो भी 12 राशियां हैं, इन 12 राशियों में यह जो राशि है वो इमोशनल होती है। हालांकि बाकी की भी राशियां हैं वो भी इमोशनल होती है, लेकिन यह जो राशि है वो इमोशनल होते हुए घर से बहुत ज्यादा अटैच रहती है। मतलब घर के लोगों से, घर के फैमिली मेंबर से हमेशा ये राशि यह सोचेंगे कि फैमिली मेंबर प्रोग्रेस किस तरह से किया जाए, फैमिली मेंबर का प्रोग्रेस किस तरह से हो जाए। फैमिली मेंबर के बारे में कुछ भी अगर दुविधा है, कुछ भी अगर प्रॉब्लम है, तो उसका सबसे ज्यादा दुख इस यह जो राशि है या फिर यह व्यक्ति है, इन लोगों को होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और दूसरी बात, ये खुद के बारे में कभी नहीं सोचते। इनका यही होता है कि अगर फैमिली इंटैक्ट है, फैमिली बहुत अच्छी तरह से अटैच है, फैमिली में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये जो राशि है वह राशि बहुत ज्यादा हैप्पी फील करती है। उसी प्रकार माँ के संदर्भ में इनका एक अलग ही कनेक्शन होता है। जी हाँ, माँ के तरफ ये जो राशि है, ये राशि बहुत ही ज्यादा अटैच होती है। और माँ के बारे में भी देखा जाए तो उनके संतान में जिसकी राशि कर्क राशि है, उस कर्क राशि के साथ इनका जो कनेक्शन होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। मतलब इनका जो रिलेशनशिप होता है वो बहुत अच्छा होता है। मतलब माँ सिर्फ इनकी आंखों में झांक कर देख सकती है कि इसका मूड कैसा है, या फिर यह जो राशि के जो इनके संतान रहेंगे यह नॉर्मल है कि नहीं, या फिर यह जो संतान है जिसकी कर्क राशि है, यह भी माँ के सिर्फ आंखों में झांक कर ही देख सकती है। बोलने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इनका जो कनेक्शन होता है वो थोड़ा अज्ञात होता है। मतलब हमें लगता है कि बोलकर हम अपनी जो भावनाएं हैं वो प्रकट कर सकते हैं, लेकिन यह जो संतान होगी जो कि कर्क राशि के हैं, वो माँ के सिर्फ आंख में झांक कर भी देख सकती है कि माँ को ऐसे कुछ प्रॉब्लम है या नहीं, और उसको भाव भी बहुत अच्छी तरह से लेती है। तो यह जो कनेक्शन होता है वो थोड़ा अज्ञात होता है, लेकिन होता है जरूर। यही खासियत होती है कर्क राशि की। और दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, कर्क राशि को बोलना बहुत मतलब ज्यादा अच्छा लगता है। मतलब जो भी बातें हैं, अगर इनके सामने अगर आप कोई विषय रखो, खास करके फैमिली के बारे में, तो ये सब कुछ बता देंगे। मतलब जो आप प्रश्न पूछोगे उसके बारे में भी, और जो प्रश्न नहीं पूछोगे उसके बारे में भी। मतलब फैमिली मेंबर्स के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में इन्हें बोलना बहुत अच्छा लगता है। यह जो राशि है, यह राशि थोड़ी होमसिक होती है। मतलब घर पर रहना इन्हें बहुत अच्छा लगता है, बहुत पसंद आता है। अगर यह राशि कहीं बाहर गई तो इनका जो मूड होता है वो इतना अच्छा नहीं रहता। घर के लोगों के बारे में हमेशा सोचने वाली यह राशि है, बहुत ज्यादा हार्डवर्किंग है। हालांकि जैसे मैंने कहा कि यह राशि है वो इमोशनल है, बाकी की भी जो राशियां वो भी इमोशनल है, जैसे कि मिथुन राशि इमोशनल है, कन्या राशि इमोशनल है, या फिर तुला राशि इमोशनल है, और मीन राशि सबसे ज्यादा इमोशनल है। तो यह जो बाकी की राशियां है वो इमोशनल है, लेकिन हार्डवर्किंग के बारे में अगर सोचा जाए तो ये जो कर्क राशि है बहुत ज्यादा हार्डवर्किंग है। मतलब आपको लगेगा नहीं, इनके बोलने से, इनके रहने सहने के ढंग से आपको लगेगा नहीं कि यह जो राशि है वो हार्डवर्किंग है, लेकिन यह असल में यह राशि है
बहुत ज्यादा हार्डवर्किंग है, हमेशा कुछ ना कुछ तो करते रहेगी, और पैसों कम है तो ये जो राशि है बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, मतलब प्रैक्टिकल भी होती है, अच्छी तरह से प्रैक्टिकल होती है, मतलब कभी कैसे खर्च करना है, अगर इनको कोई चीज खरीदी भी करनी हो तो यह देखेंगे यह चीज हम जो खरीदी कर रहे हैं उसका लॉन्ग रन इफेक्ट में इसका कुछ, मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे अभी पसंद आया तो मैं जल्दी से ले लूं, ऐसी बात इनकी कभी नहीं रहती है। अगर कुछ का इनको वस्तु लेनी है तो बहुत जगह ढूंढेंगे, बहुत दुकानों में ढूंढेंगे, उसके बाद जहां पर सस्ती मिलते हैं वहां पर ही खरीदी करेंगे। तो यह बात इस राशि में बहुत अच्छी होती है, स्पेंडिंग इनकी बहुत कम होती है लेकिन इनका जो निवेश होता है वो बहुत अच्छा होता है, सेविंग्स इन राशि में बहुत अच्छी तरह से देखी जाती है। जैसे कि मैंने कहा कि फैमिली मेंबर्स के बारे में ज्यादा अटैच रहती है और इनके पास एक विजन होता है, मतलब मुझे यहां तक पहुंचना है तो किस तरह से पहुंचना है उसके बारे में पूरी तरह से इनका जो शेड्यूल होता है वो थोड़ा तैयार होता है। लेकिन यह जो राशि है वो एरोगेंट बिल्कुल भी नहीं होती, मतलब करियर ओरिएंटेड बाकी की जो राशियां है जैसे कि मेष राशि है, सिंह राशि है, फिर धनु राशि है, या फिर वृश्चिक राशि है, कुंभ राशि है, तुला राशि है, तो ये जो राशियां हैं यह राशि भी इनके पास विजन होता है, इनके पास करियर ओरिएंटेड होती है ये राशियां, लेकिन कभी कभी ये जो राशियां है थोड़ी बहुत एरोगेंट लग सकती है इनके चाल ढंग में, या फिर इनके जो संवाद होते हैं उसमें, इनकी स्पीच होती है, इनका जो बोलना होता है इसमें कभी कभी ये एरोगेंट हो सकती है। लेकिन यह जो राशि है मतलब कर्क राशि है, वो कर्क राशि कभी ज्यादा एरोगेंट नहीं होती, इनका बोलना बहुत ही अच्छा होता है, मतलब आपको लगेगा भी नहीं कि ये जो राशि है इतना मेहनत भी करती है, या फिर करियर के बारे में भी जैसे मैंने कहा कि बहुत अच्छी तरह से सेटल हो जाते हैं, और करियर चेंज कर अब यदि इनको करना है तो भी ज्यादा नहीं सोचती, मतलब इनका जो मोटिव होता है, इनका जो ड्राइविंग फोर्स जिसे कहते हैं वो यही होता है कि अगर कहीं पर अगर हमें अच्छा कुछ मुनाफा हो रहा है या फिर तो फिर ये जो राशि है वो चेंज भी कर सकती है अपना जो करियर है। और दूसरी बात इनके रिलेशनशिप बहुत अच्छे मेंटेन करते हैं, मतलब ये जो रिलेशनशिप घर के मामले में तो हमने देखा कि बहुत अच्छे होते हैं, फ्रेंड सर्कल में भी इनके रिलेशनशिप बहुत अच्छे होते हैं, अगर और लव लाइफ में यानी कि प्रेम संबंध में भी यह जो राशि वो अच्छी तरह से प्रेम संबंध निभाती है और बहुत ज्यादा इमोशनल होती है, यह बात तो इनमें बहुत ही अच्छी होती है। तो अगर ये दो राशियां जो है वो दो राशियां अगर प्रेम संबंध में है, मतलब दोनों भी अगर कर्क राशि का एक व्यक्ति है और दूसरा व्यक्ति भी कर्क राशि का है तो उनके जो प्रेम संबंध है वो बहुत ही अच्छी तरह से आगे बढ़ेंगे, मतलब अगर दोनों राशियां सेम ही हो और खास करके इमोशनल और वो भी कर्क राशि हो तो उनके जो प्रेम संबंध है बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ते हैं, मतलब म्यूचुअल जो रिस्पेक्ट बोलते हैं वो भी देते हैं, और इनका जो बोलना होता है वो बहुत ज्यादा हो सकता है, मतलब हालांकि प्रेम में कभी कभी फिजिकल भी होते हैं कई जन, लेकिन यह जो राशि है यह राशि फिजिकल होने में इतनी ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होती, लेकिन एक्सचेंज जो बोलते हैं मतलब हर कोई अपने अपने फैमिली के बहुत ज्यादा तारीफ करेगा, और इसमें यह राशि जो है दोनों राशियां बहुत खुश भी रहती है, और इसी तरह इनका जो प्रेम होता है बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ सकता है। एक ऐसी बात है जिसके बारे में इनके इस राशि में थोड़ी बहुत खटास आ सकती है, थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है, और वो बात है अगर दो व्यक्तियों की कर्क राशि है तो एक ने किसी दूसरे के फैमिली के बारे में अगर कुछ कहे थे या तो यह राशि है इनको बहुत दिल पर लगता है, मतलब इनका यह मानना होता है कि आपको जो भी कहना है, जो भी प्रॉब्लम्स आपको रहेगी वो आप मेरे लिए डिस्कस करो, खास मेरे लिए अगर कुछ कहना हो, कुछ उल्टा सीधा भी कहना है तो मेरे लिए कहो, मेरे फैमिली मेंबर्स के बारे में नहीं करना। यदि भी उनकी कोई गलती है तो भी ये जल्दी से मानने के लिए तैयार नहीं होते, तो घर के लोगों के बारे में अगर कुछ कहा जाए तो फिर ये जो राशि इनको बहुत ये जो बात है वो दिल पर लगती है, और घर के लोगों के बारे में जल्दी से ऐसे कुछ अगर उनकी कोई चूक भी हो, कोई फॉल्ट भी हो तो ये मानने के लिए जल्दी से तैयार नहीं होती, तो अगर ऐसे कोई बात हो गई है तो मेरे ख्याल से जल्दी से इनसे माफी मांगो, जल्दी से माफ करने वाले भी नहीं होते, लेकिन मेरे ख्याल से थोड़े दिन में ये जो राशि है वो मान भी जाएगा, क्योंकि ये राशि इमोशनली बहुत ज्यादा अटैच होती है, तो अगर दोनों राशि हम कर्क राशि को तो इमोशनली बहुत अच्छी अटैच होती है, तो ऐसी अगर कोई बात हो गई तो मेरे ख्याल से फिर से वो पैचअप हो सकता है माफी मांगने से, या फिर इनको अगर शॉपिंग पे लेके जाओ, हालांकि ये शॉपिंग में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहती लेकिन फिर भी शॉपिंग में अगर लेके जाओ तो ये राशि खिल भी जाती है, इनके मतलब उनका जो मूड है वो भी अच्छा होता है माफी मांगने से, या फिर सबसे ज्यादा अगर कोई महत्वपूर्ण बात है तो अगर ये राशि रूठ गई है तो इनके जो फैमिली मेंबर्स है तो उनके लिए आप कुछ करोगे तो मेरे ख्याल से, या फिर उनके लिए कुछ करने की अगर आप इच्छा भी जाहिर करते हो तो भी ये जो राशि है वो जल्दी से खिल जाती है, और एक बार यह राशि आपके कांटेक्ट में आ गई, मतलब प्रेम संबंध में आ गई, तो आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं और हर तरीके से आपकी
जो है मदद करने के लिए तैयार होती है। मतलब यहां तक कि आपको कोई प्रॉब्लम है, जो कि सपोज आपको कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, या फिर आपको कोई करियर के बारे में प्रॉब्लम है, या फिर पैसों के मामले में भी अगर कोई प्रॉब्लम है, तो ये जो अकेली राशि है वो आपको पूरी तरह से आपको साथ देने के लिए तैयार होती है। इनका जो पहला और सबसे महत्वपूर्ण इनकी मांग होती है कि प्रेम में, अगर प्रेम हुआ है तो सिर्फ प्रेम में नहीं रहना, इसका कुछ मतलब आगे जाकर भी हमें शादी करनी चाहिए। तो अगर ये राशि प्रेम में है तो जल्दी से इनकी ये मांग होगी कि शादी कर लेना बहुत ज्यादा आवश्यक है। इनके भी जो मूड है वो मूड भी जल्दी जल्दी चेंज होते हैं। मतलब दोपहर को एक रहेगा, शाम को एक रहेगा, सुबह को एक रहेगा, मूड चेंजेस रहते हैं। लेकिन करियर के मामले में करियर ओरिएंटेड राशि है, और वैसे देखी जाए तो ये जो राशि, जैसे मैंने कहा कि कमिटमेंट जल्दी जल्दी मांगती है, ऐसे बाकी के भी जो राशि है वो कमिटमेंट मांगते हैं, लेकिन ये राशि जो है हमेशा कमिटमेंट मांगेगी। मतलब आपका प्रेम हुआ तो विद इन अ मंथ, मतलब एक आध महीने में ये राशि यह बोलेगी कि हमें कब शादी करनी है, कैसे करनी है। और इनकी मोस्टली जो चर्चा होती है वो शादी के बाद क्या करना है उसके ऊपर होती है। मतलब प्रेम में क्या करना है इसके बारे में इनके विचार ज्यादा क्लियर नहीं होते, लेकिन शादी के बाद क्या करना है, कैसे हमारी जो फैमिली है वो किस तरह से आगे बढ़नी है, तो इसके बारे में इनकी चर्चा बहुत होती है। तो अगर तो ऐसी होती है ये कर्क राशि, तो अगर दो राशि, अगर दो जो व्यक्ति है वो अगर कर्क राशि के होंगे, तो एक बात तो तय है कि जो दोनों राशियां है, दोनों जो व्यक्ति है जो कि कर्क राशि के है, वो जल्दी से जल्दी प्रेम करके आगे बढ़ेंगे। मतलब शादी तक ये जो राशि है वो आगे बढ़ने के चांसेस है। लेकिन सिर्फ इतने इसमें एक ही प्रॉब्लम है कि अगर इनके घर वालों ने शादी के लिए ना कर दी, तो फिर इनका प्रेम से शादी तक का जो सफर है वो हो पाना थोड़ा कठिन हो जाता है। इसके बावजूद अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है, तो उसके लिए इनकी जो मतलब पत्रिका है वो पत्रिका देखना या फिर जन्म कुंडली देखना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है, क्योंकि यह जो राशियां है, यह राशियां सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा के ऊपर आधारित होती है। हमारी जो पत्रिका होती है, पत्रिका में 12 ग्रह होते हैं, तो उसमें जो 11 ग्रह होते हैं, मतलब चंद्रमा से अलग जो 11 ग्रह होते हैं, वह भी अपनी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ तो परिणाम कुंडली पे करते ही है। तो वह जो परिणाम है, वो परिणाम उसकी जो स्टडी है वो करनी बहुत ज्यादा आवश्यक होती है। जन्म कुंडली है तो उसके बारे में, जन्म कुंडली के बारे में अगर देखा जाए तो हमें पक्का पता लग सकता है कि कौन सी प्रॉब्लम है, किस तरह से उसे सॉल्व करना है, कोई अगर उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन प्रॉब्लम है तो उसे किस तरह से बाहर आना है, ऐसी कई बातें होती है वो जन्म कुंडली देखने के बाद ही हमें पता लग सकती है। तो दोस्तों ये था, अगर दो राशियां या फिर दो व्यक्ति कर्क राशि के हैं तो उनका जो प्रेम है वो किस तरह से आगे बढ़ सकता है उसके बारे में विवेचन। आपको ये चर्चा कैसे लगी, आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन भी दबा देना, जिसकी वजह से अपने चैनल के नए नए वीडियो जो हर दिन अपलोड होते हैं उसके लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।